क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। एडिलेड के ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच भारत की जीत के साथ खत्म हो चुका है। मैच के आखिरी और पांचवें दिन काफी कुछ ऐसा हुआ जिसे दर्शक याद रखना चाहेंगे। इन्हीं में से एक था ऋषभ पंत का वो अंदाज जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। पंत ने विकेट कीपिंग में जो कमाल किया वो तो सभी ने देखा, साथ ही अपनी कप्तानी के जलवे भी पंत ने दिखाए। इसके अलावा भी पंत ने कुछ ऐसा किया जो कि स्टंप माइक में कैप्चर हो गया। दरअसल ऋषभ पंत और केएल राहुल कितने अच्छे दोस्त है ये तो सभी जानते हैं, और पैट कमिंग्स ने लगातार राहुल को स्लेजिंग किया था। पंत को कमिंग्स का ये बर्ताव कहीं ना कहीं अखर रहा था, और पंत ने अपनी विकेट कीपिंग के दौरान पैट कमिंग्स को इतना परेशान कर दिया कि वो अपना विकेट ही दे बैठे। पंत लगातार विकेट के पीछे से बोलते रहे, हमारे सामने बैटिंग इतनी आसान नहीं है, शॉट तो ये मार ही नहीं पाएगा, और भी बहुत कुछ। विकेट के पीछे से लगातार पंत कुछ ना कुछ बोलते रहे। अश्विन के 63वें ओवर में तो पंत ने लगातार 6 बॉल तक कॉमेंट्री की और पैट कमिंग्स को खूब परेशान कर दिया, जिसके बाद पैट कमिंग्स आउट हो गए। पंत की कमेंट्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और उनका अंदाज भी। फ्रेम मीडिया रिपोर्ट।